हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल विरास, द फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, 8 बेस्ट अप्रोच, कोटा। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा था, ओके। और कुछ पॉइंट देखे थे जैसे कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस, उनकी रेंज, डोमेन वगैरह, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था, ओके। और जो लास्ट में जो लास्ट हेडिंग थी अपनी, वो थी द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसमें भी लीनियर देखा था हमने और क्वाड्रेटिक हम पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक जैसे वापस एक बार 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक है, एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर इसका एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स बीटा है, तो हमने पढ़ा था सम ऑफ रूट्स की बात की थी। सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी बात की थी, अल्फा इंटू बीटा जो कि सी बाई ए के इक्वल था। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ओके। आज जो हम पढ़ेंगे कि अपने पास मान लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास अगर गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करें या कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बताएं कि उसके अपने पास रूट्स या जीरोज अपने पास गिवन है, ओके। तो इफ अल्फा एंड बीटा लिखेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज या रूट्स, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, देन क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हो जाएगी, या क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते, ठीक। तो ये जो अपने पास होगी वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर टू, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ओके। तो ये जो अपने पास आएगी वो आ जाएगी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक जो भी आएगी, क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा, वो ये आ जाएगी, पहली बात जो कि अपने को पता होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन आएगी जिसके अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, इसको अगर मान लो किसी नंबर के से अगर हम मल्टीप्लाई कर दिया जाए और के अपने पास कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट हमें कोई कांस्टेंट नंबर है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो भी के से मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल जो इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल को, तो इसके रूट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर पहले भी रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो बाद में भी रूट्स अल्फा एंड बीटा ही होगा, ठीक है, ओके। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। ये हो जाएगा अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे आपको इजी वे में याद हो सके उस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अगर रूट्स गिवन है तो एक्स स्क्वायर एक्स पावर टू माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक, ओके। क्वेश्चंस करते हैं इस टाइप में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकती हैं वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है अपना, एग्जांपल नंबर वाई, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखेंगे फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास गिवन है एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर टू प्लस सेवन एक्स प्लस
12 and verify the relation between zeros and its coefficient, between zeros and its coefficient. ठीक है, अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के पावर 2 प्लस 7x प्लस 12। इसके अपने को जीरोज कैलकुलेट करने हैं एंड अपने को जो जीरोज एंड उसके जो कॉपीशेंट आपस में जो रिलेशन है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला, वो अपने को वेरीफाई भी करना है कि हाँ वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैलकुलेट करने हैं। तो हमने क्या कर दिया कि एफ ऑफ एक्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोज के लिए हमने इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, 7x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। सही, अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो हमने जो मिडल टर्म है, अपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक कैसे जीरोज कैलकुलेट करते हैं, मिडल टर्म है इसको दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि उनका सम तो वही आ जाए एंड प्रोडक्ट क्या आ जाए 1 × 12 के बराबर। यानी कि 7 को अपने को दो पार्ट में ब्रेक करना है, जो 7 है अपने को उसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है, और उन दोनों पार्ट का जो सम है वो तो आ जाए प्लस का 7, ठीक, एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाए 12 आ जाए, प्रोडक्ट जो आना चाहिए 1 × 12, यानी कि 12 के बराबर प्रोडक्ट आना चाहिए और उनका सम कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखिए पहला है 6 × 1, मान लो सपोज हमने 6 × 1 ले लिया, किसने बोला कि सर 6 + 1 7 है, अच्छा सम करने पर तो 7 आ गया, प्रोडक्ट दोनों का करो तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये अपने पास क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। फिर किसी ने बोला सर 5 कम करते जाओ, इसमें 5 × 7 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट 10 आ रहा, तो ये भी रिजेक्ट, अपना प्रोडक्ट आना कितना चाहिए था 12। ओके, फिर 4 + 3, अच्छा दोनों का सम 7 है और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना है 12, तो ये हो जाएगा। तो 7 को हम 4 और 3 में ब्रेक कर लेंगे, तो अब अपने पास जो ये बनेगा ये है एक्स की पावर 2 प्लस 4 प्लस 3 × x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। ओके, इसको ओपन कर दिया तो ये लिखा है एक्स की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। ओके, इन दोनों में x को हमने कॉमन ले लिया, तो जैसे ही हम x कॉमन लेंगे तो ये लिखा है x प्लस 4, इन दोनों में हमने 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4। कंप्लीट इक्वेशन में से x प्लस 4 को हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 अपना कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 4 एंड ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो इसके जो जीरो जाएंगे, एक आ जाएगा x बराबर -3 और एक आ जाएगा -4। यहाँ तक देखे कोई दिक्कत? मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही करना, मिडल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका सम है वो तो खुद ही आ जाए एंड प्रोडक्ट है वो a एंड c के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो आपको इसकी हेल्प से आपको डिवाइड करने में जो हेल्प मिलेगी ना। ओके, फिर उसको ओपन करना है, कॉमन लेना है, फिर आपको उससे फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा ये तो है, हमने इसके जीरोज कैलकुलेट कर दिए, अब ये कहना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, इसके जो जीरोज हैं एंड उसके जो कोएफिशिएंट उनमें आपस में रिलेशन को वेरीफाई करना है। ओके, एक रूट्स को हमने बोल दिया अल्फा, अल्फा इक्वल टू हमने ले लिया -3 एंड बीटा इक्वल टू ले लिया हमने -4, अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं। ओके, अपने को पता सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं सबसे पहले सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फा एंड बीटा हो जाएगा -3 एंड -4 जो कि हो जाएगा -7, ठीक। ओके, सम ऑफ रूट्स होता क्या है, ये हो जाता है -b/a या कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
इसके इक्वल होना चाहिए, ओके। माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशियंट की अगर हम बात करें तो एक्स का कोफिशियंट यहाँ कितना है, एक्स का कोफिशियंट है यहाँ पर अपने पास 7, ठीक है। तो एक्स का कोफिशियंट 7 है तो यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है तो यहाँ पर ही अपने पास हो जाएगा 7/1। तो ओवरऑल कितना आ गया, -7, और इधर भी कितना है, -7। इसका मतलब ये तो करेक्ट है, ओके। यानी कि सम ऑफ रूट्स तो अपने सही हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, बात करते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। यानी कि अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा हैं। तो अल्फा की अगर हम बात करेंगे तो अल्फा कितना है, -3, और बीटा की बात करें तो -4, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 12, ओके। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म अपन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ओके। अपने पास जो क्वाड्रेटिक, अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसका कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, 12, इसका क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा 12 और एक्स स्क्वायर कोफिशियंट हो जाएगा 1। तो ये लिखा है 12/1 जो कि हो जाएगा 12 का इक्वल है, और इधर भी क्या है, 12, तो 12 इक्वल 12 आ गया, तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं और जीरोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अलग है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द, ये सब कुछ सेम है ना, ओके। सेकेंड जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है ए बी एक्स की पावर 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू एक्स प्लस बी सी, ठीक। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, और अपने को इसके जीरोस कैलकुलेट करना है, एंड अपने को इनके जो कोफिशियंट एंड जीरोस के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है, ओके। तो अपने पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए बी एक्स की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा बी की पावर 2 इंटू ए सी इंटू एक्स प्लस बी सी, सही है, ओके। जो मिडल टर्म है इसको ऐसे ही डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे हम ओपन करेंगे इसके जीरोस कैलकुलेट करना है तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से जैसे हम ओपन करेंगे तो ये लिखा है ए बी एक्स की पावर 2 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए सी इंटू एक्स, कुछ खास नहीं कर रहा, केवल ओपन अंदर इनको ओपन करके एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस बी सी इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में बी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो बी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, जैसे बी एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ से रहेगा ए इंटू एक्स प्लस बी इन दोनों में और इन दोनों में, इन दोनों में हम कॉमन आ रहा है केवल सी, तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। कंप्लीट इक्वेशन की अगर बात करें तो कंप्लीट इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी कॉमन आ जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक, ओके। तो एक टाइम ए एक्स प्लस बी जीरो हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी जीरो हो जाएगा, इसको जैसे ही जीरो है इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है माइनस बी बाई ए, एंड एक बार हो जाएगा कि बी एक्स प्लस सी वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी माइनस सी बाई बी, तो एक जीरो आ जाएगा माइनस बी बाई ए एंड एक जीरो आ जाएगा माइनस सी बाई बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं, बस अपना मेन फोकस होना चाहिए मिडल टर्म, मिड जो टर्म है उसको किस तरीके से हमें ब्रेक करना है, और यहाँ तो ब्रेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ऑलरेडी पहले से इन्होंने ब्रेक करके दे रखा था कि वो ओपन करना था और अपने को देखना है कॉमन क्या क्या आ रहा है, ओके। इसी का सेकेंड पार्ट है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है,
ओके तो सम ऑफ जीरोज़ की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करते हैं। एक जीरोज़ अल्फा है अपने पास, एक बीटा है। सम एंड जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करते हैं, सही है। सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अच्छा, हमने बोल दिया कि अल्फा जो अपने पास हैं, यहाँ से अल्फा, इस अल्फा बोल देते हैं माइनस बी बाई ए, ये अपने पास एक जीरोज़ को हमने अल्फा बोल दिया। एंड सेकेंड जो जीरोज़ हैं माइनस सी बाई बी, इसको हमने बीटा बोल दिया, करेक्ट। ओके, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। सम ऑफ जीरोज़ की बात करते हैं तो ये है माइनस बी बाई ए प्लस माइनस सी बाई बी। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लिखा है माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। यानी कि ये लिखा है, माइनस कॉमन आ जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस प्लस ए सी अपॉन ए बी। ओके, अच्छा, सम ऑफ जीरोज होते किसके इक्वल है, ये होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर टू, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है अपने पास, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए सी। तो रखते हैं बी स्क्वायर प्लस ए सी, ओके, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी इसके क्या है, कोएफिशिएंट है। तो अपॉन में आ जाएगा ए इंटू बी। देखिए दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो हो गया वेरीफाई कि हाँ ये तो करेक्ट है कि सम ऑफ जीरोस जो अपने पास है वो सही है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ से माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा, बीटा है माइनस सी बाई बी, दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा सी बाई ए, सही है। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है किसके इक्वल है, ये होता है कॉन्स्टेंटम, कॉन्स्टेंटम किसी भी पोलिनोमियल है इसका कॉन्स्टेंटम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टू। अच्छा, इसमें कॉन्स्टेंटम की बात करते हैं, अपने पास जो क्वाड्रेटिक दे रखा है इसके कॉन्स्टेंटम की बात करते हैं। तो इसका कॉन्स्टेंटम कितना है, बी बाई सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टू की बात करते हैं तो ए इंटू बी। तो अप्लाई करते हैं यहाँ, कॉन्स्टेंटम है बी बाई सी अपॉन इसका कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का ए अपॉन ए इंटू बी। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे बी से बी कैंसिल, तो ये आ जाएगा सी बाई ए, और ये भी क्या है सी बाई ए, तो दोनों आपस में क्या इक्वल है, हो गया वेरीफाई। तो प्रोडक्ट भी सही आ रहा है और सम ऑफ जीरोज भी सही आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर अपने पास क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थ्री, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स की पावर टू प्लस फाइव अंडर रूट टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है फोर एक्स की पावर टू प्लस फाइव रूट टू माइनस थ्री। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैलकुलेट करना है एंड अपने को इसके जीरोस कैलकुलेट करके रिलेशन वगैरह ये सब अपने को बताना है ना। ओके, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है फोर एक्स की पावर टू प्लस फाइव अंडर रूट टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक। अच्छा, तो अपने को फाइव रूट टू को इस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक करना है, फाइव रूट टू को इस तरीके से अपने को ब्रेक करना है कि उनका जो सम है वो तो आ जाए फाइव रूट टू ही आ जाए, और उनका जो प्रोडक्ट है वो आ जाए कितना आ जाए, प्रोडक्ट आना चाहिए
थ्री एंड फोर एंड माइनस थ्री यानी कि माइनस का 12 आना चाहिए, करेक्ट? ओके अच्छा देखो, प्रोडक्ट आना है नेगेटिव लाना है, प्रोडक्ट को अपने को क्या लाना है, नेगेटिव लाना है। तो इसका मीनिंग हो गया कि इनको सम करने पर जो भी नंबर आएगा वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आना चाहिए। यानी कि इसका मतलब है कि जब दो नंबर को ऐड किया गया होगा तो उसमें एक नंबर नेगेटिव होना पड़ेगा और एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी जाकर दो का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव, तभी जाकर ही पॉसिबल है। समझ में आया? ठीक है, यानी कि एक नेगेटिव होना पड़ेगा, एक पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, हमने बोल दिया कि एक है सिक्स रूट टू ले लिया हमने, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, माइनस रूट टू, क्योंकि फाइव फोर एंड माइनस थ्री, देखो फाइव माइनस वन करेंगे तो फोर आ जाएगा, रूट टू तो आना ही पड़ेगा, तभी जाकर ऐड करेंगे तभी जाकर क्या आएगा, ये आएगा। तो इसके लिए रूट टू तो अपने पास आना ही पड़ेगा। तो मैंने फाइव एक ज़्यादा कर दिया और उसमें से एक हटा दिया, क्योंकि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। तो जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया तो आ गया फाइव रूट टू। अच्छा, इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स इंटू रूट टू इंटू रूट टू, तो ये आ जाएगा ट्वेल्व विथ नेगेटिव साइन। तो हम फाइव रूट टू को इस दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेंगे। ओके, तो ये लिखा है जीरोस के लिए, हमने इसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो फोर एक्स की पावर टू प्लस सिक्स अंडर रूट टू माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ओके, ओपन करते हैं। तो जैसे हम ओपन करेंगे तो ये लिखा है फोर एक्स की पावर टू प्लस सिक्स रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। इसमें से कॉमन ले लेते हैं टू रूट टू इंटू एक्स को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से हमने टू अंडर रूट टू एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा अंडर रूट टू रूट टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा माइनस वन कॉमन लिया एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। कंप्लीट इक्वेशन में से रूट टू एक्स प्लस थ्री को हमने कॉमन ले लिया, तो जैसे ही कंप्लीट इक्वेशन में से रूट टू एक्स प्लस थ्री को कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा टू रूट टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो एक फैक्टर ये भी जीरो के इक्वल होगा, ये भी जीरो के इक्वल होगा। तो जैसे टू रूट टू अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से जो एक्स की जो अपनी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट टू, यानी कि एक जीरो जाएगा माइनस थ्री बाई रूट टू। अदर जीरोज़ की अगर हम बात करें तो अदर जीरोज़ के लिए टू रूट टू माइनस टू रूट टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जो अदर जीरो जाएगा वन अपॉन टू रूट टू आएगा। ठीक, तो ये अपने पास एक को हम बोल देते हैं ये हैं अपने लिए अल्फा और ये हैं अपने लिए बीटा। तो ये तो इसके रूट्स आ गए, एक रूट्स हैं माइनस थ्री अपॉन रूट टू एंड अदर रूट्स हो जाएगा प्लस वन बाई टू रूट टू, वन अपॉन टू रूट टू। ठीक है, इस तरीके से हम इसके रूट्स तो कैलकुलेट कर लिए। अब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि कोफिशिएंट इन आपस में जो रिलेशन है वो सही है कि नहीं। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ अप्लाई करते हैं। सम ऑफ जीरोज़ की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोज़ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है अपने पास माइनस थ्री अपॉन अंडर रूट टू प्लस, इसकी अगर हम बात करेंगे तो वन बाई टू रूट टू, और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा है माइनस सिक्स प्लस वन अपॉन टू रूट टू, करेक्ट? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस फाइव अपॉन टू रूट टू। ओके, अच्छा, और सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं, ये होता है कॉपी माइनस कॉपिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉपिशेंट ऑफ एक्स की पावर टू, तो ये कॉपिशेंट ऑफ एक्स की पावर टू, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर माइनस कॉपिशेंट ऑफ एक्स की बात करते हैं, यहाँ पर अगर कॉपिशेंट ऑफ एक्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉपिशेंट ऑफ एक्स कितना है,
फाइव अंडर रूट टू, फाइव इंटू रूट टू, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो ये है भी है फोर, ठीक है ओके। तो लगाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये हो जाएगा फाइव रूट टू अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टू, ये है फोर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा है फाइव अपॉन टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू रूट टू, और विथ नेगेटिव साइन तो नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं, तो ये हो गया वेरीफाई, ये तो स्टेप सही है ओके। प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फा है थ्री अपॉन माइनस थ्री अपॉन रूट टू को मल्टीप्लाई करना है वन अपॉन टू रूट टू से, ठीक है ओके। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री टू रूट टू टू हो गया, टू इंटू टू यानी कि फोर, ठीक ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है। कॉन्स्टेंट टर्म इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में जो अपना कॉन्स्टेंट टर्म है, अपना कॉन्स्टेंट टर्म कितना है माइनस का थ्री, ठीक है तो कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा माइनस थ्री एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टू जो कि है फोर, तो ये देखो दोनों क्या है इक्वल है, तो ये भी अपना क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है नोट करें ओके। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ पाए। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल अपने पास गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फोर टू एक्स की पावर टू माइनस वन प्लस टू रूट टू इंटू एस प्लस रूट टू। द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड या जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन है ओके। सबसे पहले तो अपने पास जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को वापस लिखते हैं, ये लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ, यहाँ एक्स वेरिएबल ना देकर एस दे दिया ना, माइनस वन प्लस टू रूट टू एस प्लस रूट टू। जीरोज कैलकुलेट करना है तो जीरो के कुल पुट कर देते हैं ओके, ओपन कर लेंगे तो ये लिखा है टू टाइम्स ऑफ एस माइनस टू रूट टू इंटू एस प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक ओके। इन दोनों में से हमने s को कॉमन ले लिया, तो जैसे s कॉमन लेंगे तो ये लिखा होगा 2 इंटू एस माइनस वन, इनमें से रूट टू को कॉमन ले लिया, माइनस रूट टू कॉमन ले लिया तो यहाँ रहेगा 2s माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। कंप्लीट इक्वेशन में से 2s माइनस वन को कॉमन ले लिया, जैसे ही 2s माइनस वन को कॉमन लेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी 2s माइनस वन कॉमन आ गया तो यहाँ से हो गया s माइनस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। तो इसके जीरोस कैलकुलेट करने के लिए एक बार इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और एक बार इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, जैसे इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से एस की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी वन बाई टू, और यहाँ से जैसे जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये आएगी अंडर रूट टू के बराबर, तो एक जीरो हो जाएगा वन बाई टू और दूसरा जीरो हो जाएगा अंडर रूट टू। एक को बोल दिया हमने अल्फा और दूसरे को बोल दिया बीटा, ये तो इसके दोनों जीरोज हैं। सेकेंड पार्ट है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इस कोफिशिएंट, अब है कि कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में आपस में जो रिलेशन है वो क्या होगा ओके। तो सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो वन बाई टू प्लस अंडर रूट टू, सही ओके। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये लिखा है वन प्लस टू रूट टू
अपॉन 2। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। ठीक है, ओके, जो अपने पास इक्वेशन गिवन है इसमें एक्स माइनस एक्स के कोफिशिएंट की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें एक्स का कोफिशिएंट है 1, एक्स की कोफिशिएंट की बात करें तो ये है माइनस 1 प्लस 2√2, माइनस 1 प्लस 2√2, ये इसके कोफिशिएंट है। तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 2√2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एस स्क्वायर का जो एक्स नहीं होकर यहाँ एस है ना अपने पास, यहाँ यहाँ पर एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। ठीक, तो इन दोनों को अगर देखें तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये तो अपना हो गया करेक्ट। प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो एक रूट्स एक जीरोस तो आ रहा है 1/2 एंड √2, तो इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा है 1/√2, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा किसके इक्वल, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म, जो भी क्वाड्रेटिक है इसका कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ 1 कोफिशिएंट ऑफ एस की पावर 2, एस की पावर 2 का कोफिशिएंट। ओके, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म की बात करें तो कॉन्स्टेंट टर्म है अपने पास 2, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एस की पावर 2 का कोफिशिएंट की बात करते हैं ये लिखा है 2, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म लिख देंगे 2 और इसका कोफिशिएंट 2, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये लिखा है 1/√2, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनमें आपस में वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हमने पढ़ा द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसी भी क्वाड्रेटिक के जीरोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके आपस में कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, इसी को अगले लेक्चर में कंटिन्यू भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ता है, थैंक यू, बाय।